करेंगे, व्हाट इज प्लानिंग। देखो जब आप मैनेजमेंट की बात करते हैं, मीनिंग क्या है मैनेजमेंट का, कि इट इज कंसिस्ट सेट ऑफ फंक्शंस। और कौन से फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल, ये पांच फंक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग। बिल्कुल, आपने जब 11th 12th में थे तब से आपने पढ़ना स्टार्ट किया था। जब आप बिजनेस स्टडीज़ के रूप में पढ़ रहे थे, आप इसको मैनेजमेंट के रूप में एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में आप पढ़ रहे हो। तो एक आपने स्टेटमेंट भी पढ़ी होगी, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, है ना, कि अगर आपका प्लान ही आपका रोंग बन गया है, आपके अकॉर्डिंग नहीं बना है, ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग नहीं बना है, तो इसका मतलब है कि आप फेल होने का प्लान बना रहे हो। तो प्लानिंग जो होता है फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, बिकॉज इसी के बेसिस पर आपके चारों फंक्शंस आपके रिलेट करते हैं, उसके बेसिस पे ही किया जाते हैं। पांच फंक्शन होते हैं प्लानिंग। प्लानिंग में आपका काम है प्लान बनाना कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, एक्टिविटी उसको डिसाइड करना प्रेजेंट में। ऑर्गेनाइजिंग में आपने क्या बना दिया, स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप की कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है, ये सारा काम कर लिया ऑर्गेनाइजिंग। जो पोस्ट क्रिएट किए ऑर्गेनाइजिंग में उसको फिलफिल किया जाता है स्टाफिंग में। स्टाफिंग में आपने क्या कर दिया, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी पूरा एचआरएम वहाँ पे आ गया आपका। फोर्थ वन आया आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में आपने अपने एम्प्लॉय को क्या लीड करना, यानी लीडरशिप आ गया है वहाँ पर आपका। आ गया है मोटिवेशन, मोटिवेशन आ गया है आपका, कम्युनिकेशन आ गया, ये सब वहाँ पर आ गए। और लास्ट वन इज कंट्रोलिंग, आप ये देख रहे हो कि जो प्लान में जो ऑब्जेक्टिव रखे थे आपने, क्या वो आपने अटेन किए हैं या नहीं किए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपली सा ये है, आपने पांच फंक्शन पढ़े, दो फंक्शन एक दूसरे से हाईली रिलेटेड है, कौन कौन से हैं? प्लानिंग एंड, वेरी गुड, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब ये दोनों ऐसे फंक्शन से दो एक दूसरे रिलेट करते हैं। अगर आपने प्लान बनाया है तभी ये देख पाओगे, तभी किसी चीज़ को कंट्रोल कर पाओगे कि भाई आप उसके अकॉर्डिंग कर पाए या नहीं। प्लान नहीं बनाया तो कंट्रोल क्या करोगे, जब आपके पास स्टैंडर्ड्स ही नहीं है तो कंट्रोल क्या होंगे। तो दो फंक्शंस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, चलो हम बात करते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग एक प्रोसेस है, आप पूरा प्लान कर रहे हो कि हमें नेट जीआरएफ कैसे करना है, ये पूरी एक प्रोसेस आप दिमाग में बना रहे हो। लेकिन जैसे ही आपकी प्लानिंग ख़त्म होगी वैसे एक आपके पास आउटकम आ जाएंगे जिसको बोलेंगे प्लान। आपने बना लिया कि मुझे इस तरीके से करना, अभी तो आपके माइंड में चल रहा है कि मुझे इस तरीके से करना है, ये करना है, वो करना है, बट आपने क्या बनाया लास्ट में, एक आउटकम निकल के आ गया जिसको आपने क्या बोला, प्लान। तो प्लानिंग तो क्या हुई, एक प्रोसेस, और उसका आउटकम क्या आया, एक प्लान जिसके बेसिस पे आपने काम करना। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ओके। अब देखिए प्लानिंग क्या है, एक फंक्शन है जिसमें आप ये प्रेजेंट में ये डिसाइड करते हो कि फ्यूचर में आपको क्या क्या करना, वो होगी आपकी प्लानिंग। अब इसकी क्या क्या फीचर्स है, सबसे पहले वही फर्स्ट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फीचर्स भी बिल्कुल एग्जाम में एज इट इज आती है, चार पांच आएंगी, आपको सेलेक्ट करके बतानी होगी कि कौन सी फीचर है कौन सी नहीं। ठीक है, अब आप देखते जाइए बस, बिल्कुल आपको इजी लैंग्वेज में समझ में आएगी। फर्स्ट आपका क्या आया, फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, बिल्कुल है ये मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये आपके फंक्शंस है। एंड देन उसके बाद एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल का मतलब माइंड से रिलेटेड है, प्लान आपका कॉग्निटिव स्किल बेस्ड है, माइंड से रिलेटेड है, आप सोच के प्लान करोगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरा क्या, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। तीसरा आया, एक होता है फ्लैक्सीबल, एक होता है स्टैटिक। फ्लैक्सीबल का मतलब चेंज कर लेना, अब ये तो नहीं कि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा सोचा वैसा ही होगा, बिल्कुल नहीं होता ऐसे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो होता रहता है। तो क्या होता है, प्लानिंग में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्लान में आप चेंज कर सकते हो, भाई ये नहीं होगा तो इस तरीके से कर लेंगे, ये होगा तो इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आया आपके पास कि यूनिवर्सल अप्लीकेबल है। देखो यूनिवर्सल अप्लीकेबल का मतलब है आप, मैं, यूनिवर्सिटी, सभी क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, हर कोई प्लान बना के चलते हैं। प्लानिंग के बेस पे ही आप सारा काम कर रहे होते हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। बेशक जैसे गाँव में भी सब सोचते हैं कि भाई मुझे इतने तारीख को, जैसे शादी का प्रोग्राम है उसमें भी प्रॉपर तरीके से प्लान होता है, इतने बजे बारात आई, ये वो सारा सिस्टम। मतलब क्या हुआ, प्लानिंग तो होती है यूनिवर्सल अप्लीकेबल है, कहीं चले जाओ, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक पर्सन, हर एक जगह अप्लाई होती है। ठीक है, एक सेलेक्टिव प्रोसेस है। सेलेक्टिव का मतलब क्या हुआ, आपके पास रोहतक से चंडीगढ़ जाने के कई रास्ते हैं, भाई आप यहाँ से जाओ गोहाना होते हुए चले जाओ, जींद होते हुए चले जाओ, और कहीं से चले जाओ,
तो ये कई आपके पास रूट हो गए, लेकिन आपने कौन सा सेलेक्ट किया? बेस्ट जो होगा वो सेलेक्ट करोगे। तो क्या हुआ, सेलेक्शन और बेस्ट अल्टरनेटिव, जो भी आपके अकॉर्डिंग। इसमें ये नहीं है, हो सकता है किसी के लिए एक रूट प्रेफर हो, कोई मान लो भिवानी का तो भिवानी से जाएगा, कोई यहाँ से है रोहतक से तो रोहतक वाला रूट लेगा। तो प्लानिंग पर्सन टू पर्सन वेरी भी करेगी, आप इस बात को इतना समझिए, पर्सन टू पर्सन क्या करेगी, वेरी। किसी के लिए कोई प्लान अच्छा होगा, किसी लिए कोई अल्टरनेटिव अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद आया फॉरवर्ड लुकिंग, प्लानिंग हमेशा आपकी फॉरवर्ड लुकिंग होती है। कंट्रोलिंग क्या होती है, बैकवर्ड भी और फॉरवर्ड भी, क्योंकि वो नेक्स्ट प्लान का तो बेस होती है और वो जो लास्ट प्लान है उस पर वो क्या करती है, लुकिंग, मतलब बैकवर्ड लुकिंग कि आपने उसके अकॉर्डिंग काम किया या नहीं किया, ठीक बात है। ओके, आपका क्या है, ये प्रीमिसेस, बेस्ड ऑन दी प्रीमिसेस, एक क्राइटेरिया आप लेके चलते हो। जैसे प्रीमिसेस क्या हो, एक क्राइटेरिया, जैसे आपको नेट जे आपका एक प्लान करना है, लेकिन आप ये देखोगे कि आपकी कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी को इंक्लूड करोगे ना, भाई मैं इतना पढ़ पाऊंगा, या चार घंटे है, या चार घंटे मैं स्टडी कर सकता हूँ, दो घंटे क्लास भी जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, पूरा आपके पास एक क्राइटेरिया। यहाँ पर प्रीमिसेस का मतलब क्या हुआ, जितनी भी आपने क्राइटेरिया सेट किया, चाहे मिनिमम इंटरनल किया हो चाहे एक्सटर्नल किया हो। इंटरनल का मतलब विद इन यू, एक विद इन ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपके क्या क्या आपने अजम्पशंस लिए, क्राइटेरिया, उसको तो क्या बोलते हैं, इंटरनल क्राइटेरिया, इंटरनल प्रीमिसेस। एक दूसरी होती है जो बाहर के, जैसे कि इन्वायरमेंट है उस पर अफेक्ट डालेगा, जैसे कोविड की वजह से पेपर नहीं हो रहे, एग्जाम नहीं होते, डिले होते चलते हैं, ये भी तो अफेक्ट करेगा ना। तो ये भी अजम्पशन लेके चलेंगे हम कि भाई दिसंबर वाला जो पेपर है कि वो जनवरी में हो जाएगा, ये सब की क्या चीज़ें हम देखेंगे, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रीमिसेस, बेस्ड ऑन दी प्रीमिसेस, यानी अजम्पशन जो आपने ली है उसके बेसिस पे जो प्लानिंग की है, ठीक है। प्लानिंग में दोनों चीज़ आती है, फोरकास्टिंग और डिसीजन मेकिंग। पहले आप फोरकास्टिंग कर रहे हो, आपने अपनी लाइफ की फोरकास्टिंग कर रखी है, अगर मैं नेट हो गया, JRF हो जाए तो PhD हो जाएगा, प्रोफेसर लग जाएंगे, ये आपकी फोरकास्टिंग है। इसी के बेसिस पर आपने डिसीजन मेकिंग की है कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है या क्लासेज ज्वाइन करनी है, उसके बाद अब मुझे इस तरीके से करना है। तो पहले आपने क्या की, फोरकास्टिंग, एंड देन आपने क्या की, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। उसके बाद आया टाइम बाउंड एक्टिविटी। ये तो नहीं है कि आपने कह दिया प्रोफेसर बनना है, लेकिन टाइम बताया नहीं कितने टाइम में बनना है, ऐसे ही पढ़े जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका वो पॉसिबिलिटी नहीं है, 42 से ऊपर तो आप लग ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या, टाइम बाउंड एक्टिविटी, कि मुझे 6 महीने में नेट और JRF करके देना है। ये क्या हुआ, टाइम बाउंड एक्टिविटी होती है प्लानिंग की। जैसे सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं, 6 महीने में आपको कंप्लीट कराने हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या आया, इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। इंटीग्रेटेड का मतलब हुआ सभी को इकट्ठा करना, आपके जितने भी एफर्ट्स हैं, जो भी आप करोगे सबको एक प्लेस पर ले आए। तो क्या हुआ, प्लानिंग आपकी क्या है, इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज भी है, ठीक है। उसके बाद होता है बेस फॉर कंट्रोलिंग, होता है ना, कंट्रोलिंग का बेस होता है, और कंसर्न विद दी गोल्स, गोल्स के अकॉर्डिंग आपकी प्लानिंग होती है। अब इसकी कुछ फीचर्स आपने पढ़ी है, बताओ क्या क्या पढ़ी है। सबसे पहले पढ़ी है फर्स्ट फंक्शन होता है, फिर आपने क्या पढ़ा, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, तीसरी पढ़ी आपने फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। फोर्थ आपने क्या पढ़ी, सेलेक्टिव प्रोसेस है, बिल्कुल। आपने ना अब एग्जाम में अभी आपको क्या करना है, बस इसको समझना है, याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अपने आप आइडियाज आ जाते हैं कि भाई ये किस तरीके से हैं, ये नहीं कि आप इसको रट्टे मारेंगे, कितने रट्टे मार लोगे, बहुत सारा सिलेबस पड़ा है, नहीं लगेंगे रट्टे, इसलिए इसको समझो। सेलेक्टिव प्रोसेस है, फॉरवर्ड लुकिंग है, आप सभी को क्लियर है, प्रीमिसेस के बेस पे है, क्राइटेरिया, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है। फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग दोनों आती है, टाइम बाउंड एक्टिविटी है, इंटीग्रेटेड है, कंट्रोलिंग का बेस है, और कंसर्न विद दी गोल्स है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट आपको? अब आके आया, मैंने अभी बताया कि प्लानिंग एक प्रोसेस है, पूरा एक प्लानिंग जो आप अभी सोच रहे हो, आपके माइंड में जो चल रहा है, वो एक प्रोसेस से आप कुछ ना कुछ चीज़ें सेट कर दोगे अपने माइंड में, वो जो सेट हुई है वो आपका होगा प्लान। प्लान क्या हो गया, आउटकम हो गया, रिजल्ट हो गया, एंड रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब बात आई कि प्रोसेस क्या है प्लानिंग की, आप कैसे प्लानिंग करते हो, अब आपने आप पर लेके चलना है इसको कि आप लोग अपने लिए कैसे करते हो, ठीक है। देखना, सबसे पहले आप ये देखोगे बिजनेस एनवायरमेंट कौन सी करोगे, आप अपना एनवायरमेंट एनालिसिस करोगे। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस वाला करेगा, आप इंडिविजुअल स्टूडेंट कर रहे तो आप देखोगे आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, आपको बिजनेस लाइन में जाना है, टीचिंग में जाना है तो टीचिंग में कौन से में जाना है। तो सबसे पहले आपने देखा, बिजनेस एनवायरमेंट एनालिसिस किया,
आपने देखा कि मेरी ये कैपेबिलिटी, मेरी ये क्वालिफिकेशंस है, मेरी इतनी कैपेसिटी है और मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है और ये चैलेंजेस है। पहले आपने पढ़ा होगा ना स्वॉट, अब वो स्वॉट की जगह स्वोक हो गया, जो थ्रेट्स थे ना वो चैलेंजेस हो गए, कि अब चैलेंजेस के रूप में जो डर है उसको चैलेंज लो। हमारी स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटी के साथ मैच किया जाता है, पता होगा, और चैलेंजेस इसलिए क्योंकि आपकी वीकनेस है, ये दोनों इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। तो पूरा स्वॉट एनालिसिस करने के बाद आपको पता लग जाएगा मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। पहला स्टेप क्लियर हो गया, आपने यहाँ डिफाइन एनालिसिस करके आपने निकाल लिया अपने ऑब्जेक्टिव्स या अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी निकाल के इसी के बेसिस पे आपने क्या बना दिया ऑब्जेक्टिव, मुझे करना क्या है या बिजनेस को क्या करना है। आपने यहाँ पर क्या निकाल दिया, अपने ऑब्जेक्टिव्स निकाल दिए कि मुझे अटेन क्या करना है। अब ऑब्जेक्टिव निकालने हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, आगे कोई ना कोई अल्टरनेट लेने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो अभी आपने देखा प्रीमिसेस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। प्रीमिसेस का मतलब वही आपकी बाउंड्रीज क्राइटेरिया, इसमें दोनों ही आ गए आपके इंटरनल। इंटरनल में आपने ये देखा कि आपके पास रिसोर्स क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी बेसिक पॉलिसी प्रोसीजर्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल की इन्वेस्टमेंट, इंटरनल हो गया है ना। और एक्सटर्नल में क्या हुआ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, डेमोग्राफिक सोशल, ये सारी चीज़ें आ गई। पहला स्टेप था क्या, एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। दूसरा आपने क्या देखा, ऑब्जेक्टिव को या आइडेंटिफाई कर लिया, एस्टेब्लिशमेंट कर लिया ऑब्जेक्टिव को। तीसरा प्रीमिसेस हो गया। अब फोर्थ क्या आ गया, अब आपको अल्टरनेट ढूंढने या फोरकास्टिंग करनी। फोर्थ क्या कर दिया आपने, फोरकास्टिंग कर ली, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कर ली। फिर आपने फोरकास्टिंग करने के बाद नेक्स्ट आपने देख लिया कि आपके पास कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं, डिफरेंट आपने आइडियाज देखे कि हमारे पास ये ऑप्शन है, ऑप्शन ये है, ऑप्शन ये है, सारे के सारे ऑप्शंस को आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया। इन सभी इनको क्या कर लिया आपने, इवेल्युएट कर लिया, देख लिया कि कौन सा किसको क्या स्कोर मिल रहा है, पता लग जाएगा कि आपकी किस चीज़ की प्रायोरिटी है। जो भी आपको बेस्ट लगा उसका क्या करेंगे, सेलेक्शन। यहाँ तक समझिए, एक बार तीन तो बिल्कुल साथ आएंगे। पहला आपका क्या है, आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस करना, उसी के बेसिस पर आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव बन गए। ऑब्जेक्टिव बनते ही आपने अपना देखना है आपकी क्या क्राइटेरिया सेट करना, प्रीमिसेस देख लिया, प्रीमिसेस सेट कर ली, फोरकास्टिंग कर ली, और फोरकास्टिंग के बाद आपने अल्टरनेटिव सर्च कर लिए, सर्च करने के बाद उनको क्या कर लिया, इवेल्युएट, और इवेल्युएट करने के बाद सेलेक्शन कर लिया बेस्ट का। अब ये तो ज़रूरी नहीं क्या यही प्लान आपका हर सिचुएशन में लगेंगे, बिल्कुल भी नहीं ना। तो आप क्या करते हो, इसके लिए एक सपोर्टिंग प्लान, जैसे हमने कंटिजेंसी अप्रोच पढ़ी थी उसमें कहा था इट ऑल डिपेंड्स। इट ऑल डिपेंड्स मतलब कि भाई अगर आपके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट तो ये प्लान लग जाएगा, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि आपके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट रहेगा, चेंज होता रहता है एनवायरनमेंट। सो आप क्या करते हो, आप एक अलग से प्लान बनाते हो, अगर आपकी पॉलिसीज में एनवायरनमेंट में चेंज आया तो सेकेंडरी प्लान आप इंप्लीमेंट करते हो। आगे बात समझ में, तो ये आपने क्या कर दिया, सपोर्टिंग और सेकेंडरी प्लान फॉर्मुलेट कर दिया। उसके बाद क्या किया आपने, इसी प्लान को जो फर्स्ट प्लान था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया, एंड देन आपने इस प्लान के टाइम टू टाइम क्या कर दिया, रिव्यू कर दिया, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस याद हो गई आपको, ठीक है। हाँ भाई, अब आया आपका कौन कौन से प्लान्स होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लान या कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग ऑफ प्लान। देखो, दो तरीके के प्लान होते हैं, एक तो होता है सिंगल यूज, जो एक बार ही यूज होगा फिर वो दोबारा बनाना पड़ेगा, एक होता है मल्टी यूज या स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग का मतलब जो एक बार बनाया लंबे समय तक आपका चलता रहेगा, वो आपका स्टैंडिंग प्लान, और सिंगल यूज एक बार यूज हो गया दोबारा यूज नहीं होगा तो उसको बोलते हैं सिंगल यूज। तो उसमें क्या क्या आता है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस में क्या क्या आता है। ठीक है, पहले बस इतना ही समझिए, जो आपका स्टैंडिंग है उसमें आपके आते हैं विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीडर्स, रूल्स एंड स्ट्रेटजी। मैंने क्या बताया, स्टैंडिंग और मल्टी यूज का मतलब होता है जो एक बार बना दिया लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन में चलते रहते हैं। ठीक है, जैसे हमने सबसे पहले लिखा है विजन, किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो चाहिए उसका विजन एक बार ही सेट होता है, उस पर्टिकुलर बिजनेस का बार बार सेट नहीं होते ये विजन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि MD यूनिवर्सिटी है, उसने कह रहा है कि हम रिसर्च में एक्सीलेंस और एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, यही विजन है उनका लंबे समय तक। ऐसे अपने का हो सकता है कि अभी भाई आपका अपना पर्सनल भी विजन हो सकता है कि मुझे विजन हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करता है,
आज से 20 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हो, समझे मेरी बात को? विजन का मतलब है लॉन्ग टर्म, कि आप अपने आप को आफ्टर 10 ईयर 20 ईयर कहाँ देखोगे, तो वो क्या हुआ, विजन हो गया। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक पर्सन का विजन अलग हो सकता है, ठीक है? तो विजन क्या हुआ, एक लॉन्ग टर्म, ठीक है? और इसका जो आंसर चाहिए होता है, हमें चाहिए कि व्हाट इज योर फ्यूचर पोजीशन, ठीक है? व्हाट इज योर फ्यूचर पोजीशन, ठीक है? और यहाँ पर आपको एक आंसर चाहिए किस चीज़ का, फ्यूचर पोजीशन में आप कहाँ पर जा रहे होंगे, ठीक है? दूसरा है आपका मिशन। देखो ये आपका अभी ये कैंपस चल रहा है, इसका मिशन क्या है, क्या देना है भाई, आप नेट जे आर एफ और इनकी क्लासेस दे रहे हैं, ये इसका मिशन है। कितने स्टूडेंट्स को देना है, ये भी एक मिशन होगा। ऐसे किसी भी किसी ना किसी पर्सन का आपका मिशन मिशन होगा, और मिशन की वजह से आपके विजन आपका अटेन होता है। जैसे आप लोगों का हो सकता है कि आपको ना एक क्या बोलते हैं कि एक रेप्यूटेड एनिमेट प्रोफेसर बनना है, ये आपका टारगेट है, मान लो ये वो विजन आपका। इसको अटेन करने के लिए शॉर्ट टर्म में आपने क्या, इस मिशन करना, मिशन लेना पड़ेगा कि मुझे जेआरएफ करना है। ये क्या हुआ, आपको इसके इसके थ्रू आपको वहाँ जाना है। तो मिशन क्या हुआ कि आपको स्टडी करनी है, क्या हुआ, स्टडी करनी, बात समझ में आई? तो आप क्यों, मतलब आपका इसमें आप आंसर ढूंढते हो वाई का, आप हो तो क्यों हूँ। विजन में फ्यूचर पोजिशन, और मिशन में आप क्या देख रहे हो, आपका टारगेट क्या है, वाई आपका एग्जिस्टेंस ही क्यों है, ठीक है? दूसरा समझ में आए आपको, विजन लॉन्ग टर्म, मिशन आपका क्या है, आपकी एग्जिस्टेंस का आंसर देता है कि आप हो ही क्यों, ठीक है? आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने के लिए आओ आप, बात समझ में आ गई मिशन का मतलब। एक आता है आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखो आप गोल्स भी लिख सकते हो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स। देखो आपका क्या है, अभी आपने देखा ये जो एक गोल रखा कि भाई मेरा ना जेआरएफ होना चाहिए, ठीक है? या असिस्टेंट प्रोफेसर, आप इसको मानी गोल, असिस्टेंट प्रोफेसर लगना, ये आपका है गोल, ठीक है? लेकिन गोल तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले ये करना होगा कि आपकी एमकॉम हो जाए और आपका नेट हो जाए, ये कंडीशन है मिनिमम। ये हुआ आपका, इस वक्त आप बैठे हो तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। मेरी बात समझ में आई? देखो ध्यान से समझो, आपको आपकी गोल क्या है, गोल है आपको प्रोफेसर लगना है, ठीक है? उस गोल को अटेन करने, और देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, इनका सबका कनेक्शन है। आपने विजन क्या रख रहा है कि एक बहुत ही अच्छा प्रोफेसर बनना है आपने, वो तो विजन हो गया आपका, है ना? मिशन क्या था कि आपका एग्जिस्टेंस ही क्यों, आप एज ए स्टूडेंट हो, आपको कॉमर्स के स्टूडेंट, ये पढ़ाई करनी है आपने, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मेरा काम है पढ़ाना, ये मेरा वाई का आंसर मिल गया। आपका आप स्टूडेंट के रूप में, तो आप क्या करो, पढ़ना, आपको ये आंसर मिल गया। अब देखो इस तक पहुंचने के लिए, जो प्रोफेसर तक पहुंचने के लिए, आपको पहले असिस्टेंट प्रोफेसर लगना पड़ेगा, फिर प्रमोशन होगा, फिर आपका होगा, है ना? तो ये तो हो गया आपका क्या, गोल हो गया। अब इस गोल को अटेन करने के लिए अब छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव अटेन करने पड़ेंगे। जैसे पहले आपने एम कॉम करनी पड़ेगी, ये एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका नेट भी होना चाहिए, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। फिर आपको वो एच पी एस सी का एग्जाम भी क्वालिफाई होना चाहिए, ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव की हेल्प से आप गोल्स को अटेन करते हो, गोल्स की हेल्प से आप अपने विजन मिशन को अटेन करते हो। समझ में आ गई बात आपको, बिल्कुल समझ में आ रही है ना? और देखो आप ध्यान से सुनना, मैंने इसको स्टैंडिंग क्यों कहा है, क्योंकि ये आपको एक बार ही, मतलब आपको एक बार बन गया वो लंबे समय तक चलते रहेंगे, ठीक है? उसके बाद देखिए आपकी आई पॉलिसीज। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई आपके पास। पॉलिसी का मतलब होता है गाइडेंस, वर्ड ढूंढ लेना, गाइडेंस। पॉलिसी आपको क्या करता है, आपको करता है गाइड। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में, अच्छा ये बताओ, जैसे कि जैसे आप रोड पे चल रहे हो, तो रोड पे अपने इंडिया में रूल है कि लेफ्ट साइड चलना है, ये रूल है या आपकी पॉलिसी है? रूल की डेफिनेशन सुनो, रूल्स की, रूल्स का मतलब होता है जहाँ पर रूल को ब्रेक करने पर आपको कोई पनिशमेंट मिलती हो, पेनल्टी लगती है। और पॉलिसी क्या होता है, सिर्फ आपको गाइड प्रोवाइड, गाइडेंस प्रोवाइड करती है। तो मुझे बताओ कि जो आप लेफ्ट साइड चलना, ये रूल है या आपकी पॉलिसी है? रूल, पॉलिसीज आपको क्लियर है कि गाइडेंस, पॉलिसी आपको गाइड करता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस में आपको क्या करना है। मैंने कहा रिटायरमेंट एज 58 ईयर है, ये आपकी पॉलिसी बनाई हुई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है? आप इसको
जैसे आपका जो सुपीरियर है इसको रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, ये पॉलिसी है कि भाई आप इसको रिपोर्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। ये प्लानिंग हेड है, इसको आप रिपोर्ट करेंगे। तो समझ में आए पॉलिसी क्या होती है, क्या करती है, गाइडेंस देती है। अब ध्यान देख, ध्यान से एक बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। पॉलिसीज आपके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग होगी। इलेक्ट्रिसिटी बचानी है आपने, तभी तो फैन को ऑफ किया। ऑब्जेक्टिव क्या था, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना। आपका काम क्या है, भैया मेरा नेट जीआरएफ हो जाए, इसके अकॉर्डिंग आपकी पॉलिसी बनेगी, यानी ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग आपकी पॉलिसी बनेगी। ध्यान से देखना, इंटरलिंक्ड है सारी चीजें, विजन से स्टार्ट होते हुए नीचे नीचे आते हैं आप ऑब्जेक्टिव से, और उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बना दी, ठीक है। आपके ये जैसे एक बात बताओ, आपने एक अपनी लाइफ का एक रूल बना लिया, पॉलिसी आपने बतानी कि मेरे को 7 बजे उठना है या 6 बजे उठना है, तो रूल है पॉलिसी। हाँ, उठते नहीं हो ना, कोई पुनिशमेंट भी नहीं है, ठीक है, ओके। लेकिन आप किसी मतलब क्लास में नहीं जा रहे हो, मतलब कि आपने ये कहा कि भाई 9 बजे क्लासेस स्टार्ट होंगी और 9 बजे आप नहीं आ रहे हो, तो ये पॉलिसी है, रूल है, वो रूल हो गया, क्योंकि उसमें अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी और पनिशमेंट हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट हो गई आपको क्लियर, ठीक है, वेरी गुड। एग्जाम में कन्फ्यूज कर देती है बहुत सारी स्टेटमेंट्स, इसलिए मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ ये बहुत अच्छे से, ठीक है। पॉलिसी का काम क्या है, गाइडेंस देना, और पॉलिसी हाईली कोरिलेटेड होती है ऑब्जेक्टिव के साथ। जैसे होंगे आपके ऑब्जेक्टिव्स वैसी होगी आपकी पॉलिसीज, हाईली कोरिलेशन किसमें, ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज के बीच में, ठीक है। उसके बाद आया प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स का मतलब हुआ किस सिक्वेंस में काम करना है। आपने ऐसे तो नहीं किया कि पहले एमकॉम कर लेते हैं फिर लास्ट में जाके फर्स्ट कर लेंगे, वो सिक्वेंस में आया ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर आपका प्लस टू, फिर बीकॉम, फिर आपने एमकॉम किया, पूरा एक सिक्वेंस है प्रोसेस। खाना बना रहे हो, पहले आपने क्या किया, आटा लगा दिया है ना, उसके बाद पूरी प्रोसेस किया। सब्जी बना रहे हो तो किस तरीके से, या पहले जो घी है उसको पहले उबाल दिया, बाद में फिर जो भी सिस्टम है उसका जो भी करना है, मतलब कुछ भी ऐसा इनवर्स एक सिक्वेंस में ही काम होगा। प्रोसीजर्स क्या बताता है, किसी भी काम करने का तरीका, एक अरेंजमेंट, प्रोसेस बताना, ठीक है, प्रोसीजर्स का काम है ये, ठीक है। ये भी आपके इन्हीं के अकॉर्डिंग होगी, काम किस तरीके से करना है, ठीक है। एक आया आपका रूल्स, ये तो मैंने अभी बताया, रिजिडिटी होती है, स्ट्रिक्टली होता है, स्पेसिफिक गाइडेंस होती है, स्पेसिफिक गाइडेंस, नो स्मोकिंग, नो पार्किंग, है ना, तो ये क्या हुआ, स्पेसिफिक गाइडेंस हो गई, ओके। अब आई स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी के लिए एक वर्ड सुन लो आप, स्ट्रेटजी, हमें एक जो स्ट्रेटजी वर्ड है ना, आपका आया आर्मी से, ठीक है। और स्ट्रेटजी का मतलब होता है दुश्मन को देख के, या जो आपका एनिमी है उसके अकॉर्डिंग आपने अपना क्या प्लान किया। अब पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगा इंडिया, रशिया के लिए अलग, चाइना के लिए अलग, मतलब जैसी जैसा होगी कंट्री वैसे ही उनका अपनी स्ट्रेटजी होगी। याद रहे स्ट्रेटजी जो होती है ना वो कंपटीशन को देखते हुए बनाई जाती है। कंपटीशन क्या कह रहा है, मार्केट क्या कह रहा है, आप वर्ड ढूंढेंगे स्ट्रेटजी जब आप डिफाइन कर रहे होंगे कि मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप कोई प्लानिंग कर रहे हो तो वो आपकी स्ट्रेटजी होगी, या कंपटीशन को देखते हुए कर रहे हो तो भी आपको वर्ड क्या होगा, स्ट्रेटजी आएगा। आगे बात समझ में। अब तो देखो आपने स्टैंडिंग में क्या क्या पढ़ा है, आप मेरे को बताएंगे कि आपको मीनिंग क्लियर है या नहीं। फर्स्ट आपने पढ़ा विजन, लॉन्ग टर्म पोजिशन। सेकेंड आपने पढ़ा मिशन, वो भी आपको क्लियर, कि आपका वाई का आंसर देता है कि आप क्यों हैं। तीसरा आपने पढ़ा ऑब्जेक्टिव और गोल्स, गोल्स को क्या होता है, गोल्स को अटेन करने के लिए ऑब्जेक्टिव। और उसके बाद आपने क्या पढ़ा, पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है, क्या प्रोवाइड करती है आपको, गाइडेंस, गाइडलाइंस। और गाइडलाइंस किसके अकॉर्डिंग होती है, ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। फिर क्या पढ़ा आपने, क्या पढ़ी आपने, प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स पढ़ा, तो वो क्या पता है, सिक्वेंस बताएगा कि आपको काम किस तरीके से करना है। फिर आपने पढ़ा रूल्स, रूल्स आपका क्या होती है, स्ट्रिक्टली, रिजिडिटी और स्पेसिफिक गाइडेंस। और लास्ट वन इज स्ट्रेटजी, और इसका वर्ड क्या है, कंपटीशन और मार्केट, ठीक है। तो ये थे कि आपके स्टैंडिंग यूज या मल्टी यूज, स्टैंडिंग और मल्टी यूज। अब आया आपका सिंगल यूज प्लान। चलो एक चीज बताओ, जैसे आप एमकॉम कर रहे हो, आप एमकॉम कर चुके हो कुछ, जो एमकॉम है वो आपका एक प्रोग्राम है या पेपर है। एमकॉम एक प्रोग्राम है, ठीक है, एमकॉम आपने एक बार कर ली दोबारा करोगे, तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, सिंगल यूज। आपने अभी क्या पढ़ा है कि मल्टी यूज पढ़ा है, अभी आपने पढ़ा है सिंगल यूज। प्रोग्राम जो है आपका वो एक बार हो गया, दोबारा नहीं होगा,
इसके लिए एक बार ही प्लानिंग होगी भाई, इस ईयर से इस करनी है और इस तरीके से सेमेस्टर होगा। सिंगल यूज प्लान है, चलो इतनी बात समझ गई। या आप ये देख सकते हो आपके घर में बहुत सारी शादियाँ होती है और बहुत फंक्शंस होते हैं, तो वो प्रोग्राम कह लीजिए आप, प्रोग्राम ही होते हैं, उनकी हर एक की इंडिविजुअल प्लानिंग होती है। लास्ट ईयर में जो कोई प्रोग्राम हुआ था, जो नेक्स्ट जो आपका प्रोग्राम, उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है ना। तो प्रोग्राम आपका सिंगल यूज है, हर एक प्रोग्राम के लिए आपको एक अलग से क्या चाहिए, प्लानिंग चाहिए। तो प्रोग्राम आपका वाकई इस तरीके से करना, इसी के एक वर्ड आ जाता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या हुआ, पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, इंडिपेंडेंट होते हैं बट इंटरडिपेंडेंट होते हैं। कैसे, आपका एमकॉम एक प्रोग्राम है, पूरा की पूरी जो आपकी एमकॉम है वो क्या आपकी प्रोग्राम है, इसमें सेमेस्टर फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है और फोर्थ भी है, चार सेमेस्टर होते हैं। आपने एक भी सेमेस्टर ब्रेक कर दिया तो प्रोग्राम फेल हो जाएगा, या एग्जाम में रीअपीयर आए तो नहीं होगा आपका। ये अपने आप में जो सेमेस्टर के एग्जाम हो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल एक दूसरे कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर, नहीं पड़ता ना, जब उसके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हो तो दूसरे का कोई रिलेशनशिप नहीं है, इंडिपेंडेंट हो गए। बट इंटरडिपेंडेंट, बट इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, जब ये चारों क्वालिफाई कर लोगे तो प्रोग्राम बनेगा, तब आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। तो प्रोग्राम क्या हुआ, प्रोग्राम आपका हुआ सिंगल यूज है, कि लाइफ में आपको एक बार एमकॉम करनी है, या जैसे किसी की जो मतलब मैरिज है वो भी इस तरीके के प्रोग्राम है, और इस तरीके के आपके जो प्रोग्राम होते हैं वो सब, और हर एक प्रोग्राम के लिए अलग तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट हुआ वो इंटरडिपेंडेंट बट डिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट बट इंटरडिपेंडेंट आपके क्या होते हैं, पार्ट होते हैं प्रोग्राम के। इसका एग्जांपल आपका खुद का कोर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आया आपका बजट। बजट क्या होती है, फ्यूचर में आपने क्या करना है, ये प्लानिंग में पड़ा। प्रोजेक्ट क्या बताया भाई आपको, कि जैसे आप एमकॉम कर रहे हो तो एमकॉम करने के लिए आपको चारों सेमेस्टर आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे, तो हर एक सेमेस्टर ऑफ योर एमकॉम कोर्स एक प्रोजेक्ट है, हर एक प्रोजेक्ट को पूरा करना पड़ेगा, तब जाके आपका कहीं ना कहीं प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। समझ में आया ना, हाँ जी। हाँ भाई, बजट क्या होता है, बजट आपकी एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है फ्यूचर प्लान की। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स में बता दिया आपने, भाई आपको ये कहना है कि आपको एक महीने बाद शॉपिंग करनी है तो उसके लिए पैसा भी चाहिए ना, तो पैसा बता दिया कि भाई इतनी ड्रेसेस के इतने पैसे, क्वांटिटेटिव बता दी, मैं 5 ड्रेस लेके आऊँगी और इतने पैसे लगेंगे, ये बजट बन गया आपका। समझ में आ गई, या फिर मेरे पास इतनी इनकमिंग आएगी, इतनी आउटगोइंग होने वाली, दैट इज कॉल्ड बजट। बजट सिंपली इज अ वर्ड है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ फ्यूचर प्लान, ठीक है। तो क्या वो आपका बजट हो गया। लास्ट आपके पास आया क्या, शेड्यूल्स। अब शेड्यूल्स का मतलब क्या है, जैसे आप रोज डालते हैं कि 10 बजे इसकी क्लास होगी, 11 बजे इसकी होगी, 12 बजे इसकी क्लास होगी, या फिर आपको इस जैसे शेड्यूल ही तो है ना, कि भाई कल आज हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, इसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ये खत्म हो जाएंगे, कोई और नई सब्जेक्ट आएंगे, तो मतलब क्या, ये शेड्यूल्स ही डले हुए हैं। शेड्यूल ये भी है कि नेट का पेपर अभी जुलाई में होना था, फिर शेड्यूल का आया कि अगस्त में होगा, अगस्त में कह दिया कि सितंबर में हो गया, और सितंबर में तो कह रहे हैं कि हो जाएगा। हाँ, चुपचाप रहे तेरी ना, एक तो क्या हुआ कि जो ये अच्छे अच्छे वो जो चंचल से बच्चे होते हैं ना, उनकी भगवान सुन लेता है है ना, और तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के बोला करो आप लोग। लास्ट आया आपके पास शेड्यूल्स, आपने पढ़ा कि भाई कौन सा काम क्या होगा। जैसे आपका शेड्यूल हो सकता है कि मुझे 6 बजे आप उठते हो, 8 बजे नहा दो कि आप रेडी हो जाए, खाना ब्रेकफास्ट कर गया, ये सब शेड्यूल्स के केसेस हो गए। या कोई प्रोग्राम होता है कि आता है ना कि भाई इतने बजे बारात आएगी और विदाई तारों की छाँव में तो वो शेड्यूल ही है पूरा का पूरा, कि वो तारों की छाँव का कोई शेड्यूल नहीं होता, कि जब होगी जब भेज दें, मतलब रात रात में विदा कर देंगे, इस लाइक इस तरीके का ये शेड्यूल ही है आपका, है ना। तो ये क्या था आपका शेड्यूल था। देखो अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि सेलेक्ट करो कौन से स्टैंडिंग प्लान है, ठीक है, और कौन से आपके सिंगल यूज प्लान है। स्टैंडिंग में आप देखो विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, रूल्स और क्या है प्रोसीडर्स, और आपके स्टैंड, ये है आपका। एम आ जाए ना तो एम भी यही होगा आपका,
ठीक है, एम यहीं पर सेम हो जाता है, एम और जैसे आपका विजन हो गया, इस तरीके से आपको सेम कर सकते हो। इधर आ जाओ आप सिंगल यूज में, बिल्कुल चार है आपके, प्रोग्राम, बजट, प्रोजेक्ट और आपका शेड्यूल। बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आई है, प्रैक्टिकली समझना कि क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, क्या ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। सभी के लिए एक एक वर्ड होता है, जैसे कि भाई आपको एक पर्टिकुलर मतलब किसी की डेफिनेशन है तो वर्ड ढूंढ लेना। आपने विजन का ढूंढना है तो आप देखेंगे फ्यूचर लॉन्ग टर्म पोजिशन। मिशन का देखना है वाई देख लेना, वाई के साथ में ऐसे मिलेगी वाई की स्टेटमेंट, ठीक है। आपने ये देखना हो, ऑब्जेक्टिव्स देखना हो, तो आप क्या देखोगे कि आपकी ग्रोथ के पैटर्न्स क्या है, टारगेट्स क्या है आपके पास। पॉलिसी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती है ना, जो आपकी प्रोसीडर है, सिक्वेंस होगी काम करने की, क्या सिक्वेंस होगी। रूल्स है आपकी, क्या स्ट्रिक्टली फॉलो होते, रिजिडिटी होती है, या आपकी स्पेसिफिक गाइडेंस। वर्ड ढूंढ लेना, स्पेसिफिक लग जाए ना तो आपका समझ लेना कि रूल हो गया। स्ट्रेटजी, कंपटीशन, मार्केट, ठीक है। इधर आप आए तो प्रोग्राम, जैसे मैंने बताया आपको कि आपका सिंगल यूज चीज़ होती है, सिंगल यूज प्रोग्राम, सिंगल यूज प्लान है आपका, और इसमें क्या होता है आपका कि मतलब वन टाइम होती है, कोई भी एक प्रोग्राम होते हैं अलग से आपकी प्लानिंग करनी पड़ती है, प्लानिंग के ही पार्ट है। बजट, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट इंटरडिपेंडेंट होते हैं बट इंडिपेंडेंट होते हैं, और इसमें आप ढूंढेंगे क्या, शेड्यूल्स में टाइमिंग। क्लियर होगी बात। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे, एरिया किसका वाइड है, स्ट्रेटजी का एरिया वाइड है या आपके प्लान का, बताइए। शाबाश, प्लानिंग का आप लोग बताओ, स्ट्रेटजी का, और आप लोग स्ट्रेटजी आप बताओ। स्ट्रेटजी इज वन टाइप ऑफ प्लान है ना, स्ट्रेटजी इज वन टाइप ऑफ प्लान। स्ट्रेटजी आपने एक वन टाइप ऑफ प्लान है, ठीक है, वेरी गुड निशा। तो इस तरीके से आप देखो कि स्ट्रेटजी इसका प्लान है, और ये कन्फ्यूजन होती है एग्जाम में, मुझे पता है कि कहाँ कहाँ होगी, यही है वो है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो ऐसे ही बताया जाता है, क्योंकि मुझे पता है एरर कहाँ होगी। आपको अभी भी देखो पढ़े आपने, उसके बाद भी आपको थोड़ा माइंड में आया कि कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी का एरिया वाइड है, क्योंकि कंपटीशन को देखे आपने, मुझे पता है किस तरीके से देखा था इसको, है ना, कंपटीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन प्लान का तो पार्ट ही है ना, ठीक है, ओके। पॉलिसी आपको समझ में आ गया है किस तरीके से बताता है, और प्रोसीडर्स, रूल्स, ठीक है। कुछ पॉलिसी के टाइप होते हैं, एक तो होती है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, जैसे मैंने कहा 50 ईयर की रिटायरमेंट है बीजेपी की है कि 75 ईयर पर भाई हम किसी भी उसको वो नहीं लड़ेंगे। देखो ये पॉलिसी किसके लिए बनाई थी, मनोहर वो नहीं था, मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी के लिए, अब भाई मोदी है, पॉलिसी चेंज हो जाएगी कि भाई हम 80 पे कर देंगे, है ना। तो मोदी अभी से 74 ईयर ओल्ड हो जाएगा अभी उस पे इलेक्शन पे, या 75 हो जाएगा शायद, जब तक तो 1950 का डेट ऑफ बर्थ है उसका, तो और इलेक्शन 24 में है, तो या तो इलेक्शन पहले कराओ या फिर इसको 80 ईयर कर दो, और फिर भी मतलब 75 ईयर की रखेंगे तो 75 होते ही रिटायर करो, तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि नाम उसका मोदी है ना। एक बार उसने 2019 से पहले किसी एक उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा कि 2024 तक तो मैं ही प्राइम मिनिस्टर हूँ, 19 से इलेक्शन के पहले से पहले कहा था, उससे पहले तो भूल जाओ, यानी 14-15 में ही कह दी थी मेरे को जहाँ तक याद है, हैं उनको इतना बोला। लॉन्ग टर्म की तो बहुत सोचते हैं, उनको पता होता है कि क्या क्या चीज़ें होंगी लॉन्ग टर्म में, 30 तक हो गए, 29 तक है वो प्राइम मिनिस्टर, कोई नहीं हटा सकता, है ना। चलो, एक होती है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी जो आपकी है, ठीक है, दूसरी होती है डिपार्टमेंटल लेवल पे, एक जैसे पूरी यूनिवर्सिटी है उसकी पॉलिसी होगी, एक हर एक डिपार्टमेंट की आप नहीं होगी, तो वो क्या होगी आपकी डिपार्टमेंट। एक होती है आपकी बेसिक पॉलिसी, जो टॉप लेवल अप्लाई कर बनाता है और सभी के लिए आपको बेसिकली आपकी क्या होती है अप्लाई होती है। एक होती है आपकी अपील्ड पॉलिसी, जो आपके सबॉर्डिनेट कह रहे हैं, जैसे आप लोग मुझे कहो कि ये पॉलिसी होनी चाहिए, तो वो क्या होगी, वो आपकी अपील, जो आपके सबॉर्डिनेट सुपीरियर को कहे। एक होता है आपकी इम्पोज्ड, इम्पोज्ड का मतलब होता है जो बाहर वाले लोग आप पर इम्पोज कर दे, फॉर एग्जांपल कोविड में था भाई घर से बाहर नहीं जाना, वो इम्पोज पॉलिसी थी, है ना, बात समझ में आई। अब आप ये कहोगे कि उसमें तो पेनल्टी भी थी, डंडे भी लगे थे, तो वो रूल्स थे या पॉलिसी, तो वो रूल्स थे नॉट पॉलिसी, है ना, बात समझ में आई आपकी। जैसे कि पॉलिसी ये थी कि जैसे रोडवेज बस में आपको 30 से ज़्यादा सवारी नहीं बैठानी, ये पॉलिसी बना दी गवर्नमेंट, ठीक है, बैठा ली तो बैठा ली, पेनल्टी थोड़ी है, ठीक है। तो ये थी भाई आपकी पॉलिसी, सिंगल यूज़ मैं बता चुका हूँ, प्रोग्राम जो हो आपका, आपका जो प्रोजेक्ट है,
कौन से वाला ये इम्पोज का मतलब जो अपील पॉलिसी, अपील का मतलब होता है जब सबॉर्डिनेट की रिक्वेस्ट पे आपका जो सीनियर है या जो आपके टॉप अथॉरिटी वो बना के देती है ना। जैसे कि मान लो किसान आंदोलन का केस था, किसान कहते हैं कोई पॉलिसी बनाने के लिए उनको, वो मानते तो क्या होती अपील्ड पॉलिसी होती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इम्पोज कर रही होती गवर्नमेंट उस पर इम्पोज करना चाहते, वो हुई नहीं, वो भी आप समझिए कि वो भी नहीं हुई, लेकिन इम्पोज तो की गई थी ना एक्सटर्नल फोर्सेस की। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट शेड्यूल आपने देख लिया। हाँ, शेड्यूल का मतलब मैंने बताया था कंसर्न विद द वहन, कोई चीज कब होगी एंड हाउ लॉन्ग एस्पेक्ट ऑफ द प्लानिंग, और कितने टाइम तक चलेगी, नया बैच कब स्टार्ट हुआ, अभी परसों से स्टार्ट किया, कब तक चलेगा, अगले 3-4 महीने चलेगा, तो ये क्या हुआ वहन, कब स्टार्ट होगा, क्लासेस कितने बजे होगी, लंबे समय कितने समय तक चलेगी, तो ये सारे एस्पेक्ट इसमें आएंगे शेड्यूल्स में। ठीक है, प्रोजेक्ट अब मैंने बता दिया कि आपके इंडिपेंडेंट पार्ट होते हैं प्रोग्राम के, बट इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर होते हैं ना, बिल्कुल आपको एग्जांपल के साथ ही क्लियर हो गया। बजट आपको मैंने बता दिया है, प्रोग्राम मैंने बता दिया, कम्बिनेशंस होता है ऑब्जेक्टिव्स का, जैसे कि शादी का प्रोग्राम है उसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना, रूल्स पॉलिसीज प्रोसीडर्स बजट सभी का कम्बिनेशन है ना, तो ये क्या आपका इस तरीके से आपका होता है। ओके, उसके बाद ये थी भाई आपकी पूरी प्लानिंग जो आप चेंज होता रहता है, तो जो बिजनेस एडजस्ट कर लेते हैं वो हाई ग्रोथ।